और चलिए आप खबरें देखेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुरुआत की तीन बड़ी खबरों की। पहली खबर सीएम योगी के अयोध्या दौरे से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे रामनगरी पहुंच रहे हैं। यहां आकर सीएम सफाई अभियान की शुरुआत भी करेंगे। जबकि दूसरी खबर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में रामोत्सव अयोध्या 2024 के आयोजन से जुड़ी हुई है। ये आयोजन आज से 24 मार्च तक होगा और अगले 71 दिन तक देश विदेश के 5000 कलाकारों की प्रस्तुति होगी। और इसके बाद अगली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज से मणिपुर से आगाज हो रहा है, लिहाजा यात्रा के यूपी में प्रवेश करने को लेकर यूपी के कांग्रेस नेताओं में जोश हाई है। तो ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आज की तीन बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। सीएम योगी का आज ये दौरा बेहद खास है। मुख्यमंत्री योगी रामनगरी पहुंचकर लता चौक से सफाई अभियान का आगाज करेंगे। यह अभियान 21 जनवरी तक चलेगा और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो आज से सफाई अभियान की शुरुआत होगी। इसको लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी अलग अलग मंदिरों में सफाई करेंगे। तो लता चौक से सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये ठीक वही जगह जहां पर कुछ दिन पहले सेल्फी लेते हुए नजर आए थे। ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सफाई अभियान के बाद में सीएम योगी अयोध्या में ई वाहनों का फ्लैग ऑफ करेंगे। 50 ई बस और साथ ही 25 ई ऑटो को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। डिजिटल टूरिस्ट एप्लीकेशन को मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे और इसके बाद में सीएम 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। तो अयोध्या तक पहुंचना अब आसान हो गया है। अब अयोध्या में भी लोगों को दिक्कत ना हो दर्शन करने के लिए, इसके लिए 25 ई ऑटो और साथ ही 50 ई बस चलाई जाएगी। डिजिटल टूरिस्ट एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया जाएगा, उस एप्लीकेशन के जरिए भी आप तमाम जानकारी जुटा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री का आज का दौरा बेहद खास है और ज्यादा जानकारी के साथ में निमिष गोस्वामी जुड़ गए हैं। निमिष, आज का दिन बेहद खास है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे, इसके अलावा ई बस और ई रिक्शा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। बताइए और क्या जानकारी है, क्या कुछ कार्यक्रम और रहने वाले हैं? देखिए, सबसे अहम कार्यक्रम मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरे के दरमियान प्राण प्रतिष्ठा है, जो की एक बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को सफलता कैसे हो सकती है, कैसे इसको भव्यता दिया जा सकता है, इस तमाम चीजों पर रूपरेखा तय होगी। हालांकि लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे, इस दरमियान लता मंगेशकर चौक पर स्वच्छता अभियान को प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा आज अयोध्या को एक बड़ी सौगात ई रिक्शा ई बस के रूप में मिलने जा रही है, जिसका अयोध्या धाम बस स्टॉप से शुरुआत किया जाएगा, इसका शुभारंभ होगा। इसके अलावा अयोध्या में चूंकि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है, मास अब चंद दिन बचे हैं, तो ऐसे में इस कार्यक्रम को लेकर की क्या क्या तैयारियां हैं, इन तैयारियों में जो वीआईपी और वीवीआईपी आ रहे हैं, उसके देश के प्रधानमंत्री के साथ तमाम उद्योग क्षेत्र के और तमाम विभिन्न क्षेत्रों के 2500 विशिष्ट जन है, 4 से 5 हजार संत समाज है, तो लगभग 7500 मेहमान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित है। इन मेहमानों के रुकने हैं, उनके आने जाने के लेकर क्या तैयारियां हैं, राम मंदिर प्रतिष्ठा के लिहाज से कितना तैयार कर चुका है, सिटिंग प्लान क्या है, कौन कहाँ बैठेगा, कहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होंगे और इस दरमियान जो वीआईपी आएंगे उनकी गाड़ियां कहाँ पार्क होंगी, उन्हें नगर में घुमाते हुए कैसे उनको परिसर तक ले जाएंगे, तमाम छोटी छोटी चीजों को चूंकि उन्होंने ड्राफ्ट बना रखा है और बीते दिनों बैठक पर जो चंद दिन पहले मुख्यमंत्री अयोध्या बैठक पर आए तो उन्होंने एक बकायदा एक एजेंडा बनाकर दिया था कि इस एजेंडे पर क्या हो रहा है और कैसे होगा इसको देखकर, आज की भी जानकारी सीएम लेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इसको कैसे भव्यता दी जा सकती है, इसमें बहुत से लोग आने भी हैं। 22 जनवरी के बाद एक जनसैलाब अयोध्या लौटेगा जो राम भक्त के रूप में होगा, उन राम भक्तों को कैसे सुविधा दी जा सकती है, कैसे अयोध्या की खूबसूरत अयोध्या का दृश्य उनको नजर आए, अयोध्या त्रेताकालीन कैसे नजर आए, इन तमाम चीजों पर एक एक चीजों पर बड़ी विस्तृत मुख्यमंत्री ने बीते दिनों अयोध्या दौरे पर आकर चर्चा की थी और आज उसकी समीक्षा एक बार जरूर करेंगे। इसके साथ ही अयोध्या में जो विकास की योजनाएं हैं, जो अयोध्या में तमाम जो विकास की योजनाएं हैं, इस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री लगभग 2.5 से 3 घंटा ही अयोध्या में रहने वाले हैं, लेकिन इस दरमियान प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जरूर वो जो बैठक है वो जरूर होगी। इसके अलावा जो दो प्रमुख कार्यक्रम उनके हैं वो ई रिक्शा और ई बस का शुभारंभ है और स्वच्छता अभियान जो कि लता मंगेशकर चौक से शुरू किया जाएगा। ये तमाम कार्यक्रम उनके हैं, लेकिन सबसे अहम
संतों से भी एक छोटी सी मुलाकात है, क्योंकि 22 जनवरी के बाद जब जनसैलाब आएगा तो संत समाज उन राम भक्तों के लिए क्या कर रहे हैं, उनके रुकने उनके भोजन की व्यवस्थाएं जो लगातार संचालित होंगे वो क्या होगा, 26 जनवरी से 22 फरवरी तक एक दर्शन के लिए पखवाड़ा चलाया जाएगा, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ उनके मेहमान उस प्रदेश के राज्य के लोग आएंगे, तो इनको कैसे तो एक बार फिर से तैयारियों का निरीक्षण कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज का दौरा बेहद खास, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया निमिष आपका। बीजेपी आज से मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाएगी। अभियान में बीजेपी के सभी दिग्गज जुटेंगे। सीएम योगी अयोध्या में, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लखनऊ में, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ के अलग अलग मंदिरों में साफ सफाई अभियान और दर्शन पूजन अभियान चलाएंगे। योगी सरकार के सभी मंत्री प्रभार वाले जिलों में मौजूद रहेंगे। तो आज से साफ सफाई अभियान की शुरुआत करने जा रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लता चौकसिस की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी अलग अलग मंदिरों में मौजूद रहेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ के ही अलग अलग मंदिर में रहेंगे और दर्शन पूजन अभियान और साथ ही सफाई अभियान की आज से शुरुआत होगी। और साथ ही जो योगी सरकार में मंत्री हैं सभी, वो अपने प्रभार वाले जिलों में मौजूद रहेंगे और सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। अखिलेश यादव को निमंत्रण पत्र मिल गया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जारी किया है धन्यवाद पत्र और बोले कि आज मिले निमंत्रण पत्र के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट का धन्यवाद। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में दर्शन की बात कही है और अखिलेश यादव ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद में सहपरिवार रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो निमंत्रण पत्र को लेकर काफी ज्यादा राजनीति भी हुई। इससे पहले डिंपल यादव का भी बयान सामने आया, अखिलेश यादव ने भी कई बार इसको लेकर बयान दिए। अब अखिलेश यादव को निमंत्रण पत्र मिल गया है जिस पर उन्होंने धन्यवाद पत्र भी जारी किया और कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद में सहपरिवार दर्शन करने जाएंगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में रामोत्सव अयोध्या 2024 का आयोजन होना है। यह आयोजन आज से 24 मार्च तक होगा। अगले 71 दिन तक देश विदेश के 5000 कलाकारों की प्रस्तुति होगी। 22 जनवरी तक यूपी के हर एक राम वाल्मीकि हनुमान मंदिर में भजन और रामायण का पाठ होगा। अयोध्या में 15 से अधिक देशों की राम लीलाओं का मंचन भी होगा। यूपी के 25 और साथ ही अन्य प्रदेशों की बात करें तो 10 समेत कुल 35 राम लीलाओं का मंचन हो रहा है। 22 जनवरी को 2500 लोक कलाकार 100 लघु मंचों के जरिए शोभा यात्रा भी निकालेंगे। तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में देश विदेश से कलाकार आएंगे। 71 दिन तक मंचन होगा और प्रभु राम की अलग अलग लीलाओं को कलाकार मंच के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्रीलंका से लेकर मॉरिशस तक, थाईलैंड सिंगापुर के कलाकार भी और इंडोनेशिया के भी कलाकार रामलीला में शामिल होंगे। तो 35 जगह पर ये लीलाएं होनी है और 100 लघु मंच बनाए जाएंगे जहां पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। तो ना सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के दिन बल्कि पूरे 71 दिन राममय आपको माहौल नजर आने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां भी काफी जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन जनता से पूरे प्रदेश में उत्सव मनाने की अपील की है और इसको लेकर जनता भी खासा खुश नजर आ रही है। ऐसे ही अयोध्या का कार्यक्रम आए, उसको हम अपने घरों में देखें, देव मंदिरों में स्क्रीन लगा करके उसका लाइव प्रसारण देखें, उस दृश्य के साक्षी बने। सैकड़ों वर्षों के बाद यह दिन आया है और हजारों वर्षों के लिए आने जा रहा है। याद करिए, सैकड़ों वर्षों के बाद आया है, 500 वर्षों के बाद कितनी पीढ़ियों ने संघर्ष किया, बहुत सारी पीढ़ियां संघर्ष करते करते चली गई, लेकिन यह दिन नहीं देख पाए। आप सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहे हैं, प्रभु की लीला का अपने सामने अवतरण देख रहे हैं और उस दृश्य के हम सब साक्षी बने।
यह सबसे महत्वपूर्ण है और उस कार्यक्रम में हम प्रत्यक्ष वहां बाद में जाएंगे, लेकिन लाइव प्रसारण उसको देखें अपनी आंखों से, क्योंकि आप प्रत्यक्ष जो वहां बैठेंगे वहां पे भी उसी रूप में आप देखेंगे और अपने स्क्रीन में, टेलीविजन की स्क्रीन में या देव किसी मंदिर के स्क्रीन में आप उसको देखिए। जब एक कार्यक्रम संपन्न हो फिर मंदिर में पूजा करिए और प्रसाद वितरण करिए, कंबल और गरीबों को ऊनी वस्त्र वितरण करिए, सायकाल अपने घर में देव मंदिरों में दीपोत्सव का आयोजन करिए, हो सके तो दीप कुछ आतिशबाजी भी करिए, ग्रीन आतिशबाजी करिए जिससे पॉल्यूशन न हो, प्रदूषण न हो, डिजिटल आतिशबाजी करिए। ये कार्यक्रम हमारा चलना चाहिए 22 तक। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नामकरण हुआ था, पहले संयुक्त प्रांत था। आज से मणिपुर से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। राहुल गांधी मणिपुर से 6200 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ये 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर करेगी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। भारत न्याय यात्रा को इम्फाल से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाएंगे। तो इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी और उसके बाद में अब भारत न्याय यात्रा की शुरुआत आज से राहुल गांधी करने जा रहे हैं और ये यात्रा इम्फाल से शुरू होगी जिसको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाएंगे। तो मणिपुर के इम्फाल से यात्रा का आज आगाज होने जा रहा है। 2024 के लिहाज से ये यात्रा बेहद खास मानी जा रही है। 14 राज्यों के 85 जिलों को ये यात्रा कवर करेगी और 20 मार्च को ये यात्रा पूरी होगी। तो पहले की तरह आप तस्वीरें देखेंगे जब देश के अलग अलग हिस्सों से जनता को जोड़ते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:45 पर रक्षा मंत्री का लखनऊ पहुंचने का कार्यक्रम है। दोपहर 2:15 पर कस्तूरबा मार्ग कैंट में सेना दिवस पर आयोजित एट होम कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद में शाम 4 गोविंद वल्लभ पंत स्मृति उपवन में आयोजित उत्तरायणी कौथिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे और शाम 6 राजनाथ सिंह डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेमोरियल पार्क विपुल खान गोमती नगर में आयोजित बैंड कॉन्सर्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे और 15 और 16 जनवरी को भी कई कार्यक्रम होने हैं जिसमें राजनाथ सिंह शामिल होंगे। आर्मी डे के मौके पर आयोजित एट होम कार्यक्रम में सीएम योगी भी पहुंचेंगे। लखनऊ में आर्मी डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आज लखनऊ आ रहे हैं और दोपहर 2:30 कस्तूरबा मार्ग कैंट लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित होगा। तो आर्मी डे के मौके पर एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 2:30 ये कार्यक्रम होगा। एनआईए ने हमले की साजिश का खुलासा किया है। शालिग्राम लाने वाली टीम पर हमले की साजिश रची जा रही थी। आपको बता दें कि रामलला की मूर्ति के लिए जनवरी 2023 में बिहार से पत्थर लाया गया था और पीएफआई की तफ्तीश के दौरान भी ये बड़ा खुलासा हुआ। पीएफआई से जुड़े मोहम्मद याकूब ने साजिश रची थी। जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है और जांच एजेंसी के द्वारा बताया गया है कि अयोध्या और अयोध्या से जुड़े मसले पर जांच एजेंसी को पिछले साल कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी और उसी के आधार पर याकूब और याकूब के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया था और जब उसे विस्तार से पूछताछ की गई तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि नेपाल से जो विशेष एक शालिग्राम पत्थर को अयोध्या लेकर आया जा रहा था उस वक्त में
उस जो टीम है, उस जो भक्तों की टीम है, वहां पर उन लोगों के खिलाफ एक हमला करना और इसके साथ ही हमले को अंजाम देने के साथ साथ एक धार्मिक उन्माद को फैलाने की एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि वो उस वक्त में फेल हो गया था और इस मामले में उसने बताया कि उसका संबंध प्रतिबंधित संगठन PFI के साथ में है। और जिस तरह से उस विशेष शालिग्राम पत्थर की अगर बात करें तो उसे नेपाल से जब अयोध्या लेकर जाने की तैयारी हो रही थी उस वक्त में देखने को मिला था कि बिहार में किस तरह से काफ़ी हजारों के तादाद में लोग सड़क किनारे खड़े होकर के उस पत्थर को पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग पत्थरों को देश के अलग अलग जगहों से मंगवाया जा रहा था, जिससे कि भगवान राम की मूर्ति को तराशा जाए तो अलग अलग पत्थरों को मंगवाया जा रहा था, तो उसी में शालिग्राम पत्थर को भी मंगवाया गया था। तो वो लाने वाली टीम पर किस तरह से हमले की योजना थी, किस तरह से एक धार्मिक उन्माद फैलाना था और इसके लिए काफ़ी भारी मात्रा में हथियारों को मंगवाया गया था, तो ये बात भी याकूब ने स्वीकार किया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अपने अंतिम चरण में है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। स्पेशल कमांडो की भी तैनाती की गई है। अयोध्या की सुरक्षा की पूरी मॉनिटरिंग, कोने कोने की निगरानी CCTV के जरिए पुलिस कंट्रोल रूम में की जा रही है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या फिर वाहन दिखने पर वायरलेस के जरिए पुलिस को तुरंत सूचित किया जाता है। राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी के आसपास बड़े इलाकों को सुरक्षा और संवेदनशीलता के चलते येलो जोन में रखा गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह और माघ मेले को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा समेत 3 जोन के DCP और साथी ACP ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। कड़ाके की ठंड में तीनों जोन के DCP ने पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी देखी है। DCP सिटी दीपक भूकर ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण भी किया और DP गंगानगर अभिषेक भारती ने अलग अलग थाना क्षेत्र का दौरा किया। गंगानगर के थानेदारों से फीडबैक लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। DCP गंगानगर में पापामाऊ, नवाबगंज और हंडिया क्षेत्र में भ्रमण भी किया है। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देखिए तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी काफी ज्यादा अलर्ट रखा गया है और माघ मेले को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। शनिवार को गोरखपुर महोत्सव में पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी से मच्छर और माफिया का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। पहले रात को मच्छर और दिन में माफिया परेशान करते थे, अब दोनों खत्म हो चुके हैं। कोई यहां भूल से आ गया तो दिन में तो माफिया परेशान करते थे, रात्रि को मच्छर परेशान करते थे, और जो बच गए तो इंसेफ्लाइटिस उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। आज देखिए माफिया भी समाप्त, मच्छर भी समाप्ति की ओर है और इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो चुका है। देखिए एक बड़ी उपलब्धि है कि इंसेफ्लाइटिस की बीमारी समाप्त हो गई। हमने 40 वर्षों में 50,000 बच्चों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया और मच्छर दोनों ही समाप्त हो चुके हैं। और इटावा से खबर है, आप बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया है। बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, पत्नी बेटी भी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के कुनेरा में यह हादसा हुआ। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इटावा से, जहां पर बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है।